बच्चे देश के भविष्य हैं और बच्चों को, नवजात बच्चों को जो शिशु हैं, उन्हें प्रारंभिक काल से ही अगर टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दी जाए तो आने वाला भारत हमारा काफी ही विकसित होगा। और इसी उद्देश्य से सर्वोदय विमल विद्यालय का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक ने दीप प्रज्वलित कर की। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यह विद्यालय बच्चों के सर्वांगीण विकास में कारगर सिद्ध होगा, ऐसा उम्मीद की जाती है। आगत अतिथियों का स्वागत विद्यालय के निदेशक ने की। मैं तमाम अतिथियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि श्री सुशील कुमार, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस फौजपुर, और आपसे एक बार फिर आग्रह है कि जोरदार ताली बजाकर इस प्रोग्राम का सर का सम्मान करते हुए हमारे बीच दीपक कुमार सिंह डायरेक्टर ऑफ सर्वोदय अग्रिम ब्लॉक टेक्नो स्कूल, और मैं एक बार पुनः तालियां दोस्ती लेनी चाहिए। प्रिंसिपल साहब के संचालक उपस्थित, विश्वनाथ जी, मनोज जी, अनिल जी, मेजर आरती सिंह जी जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, बच्चों, मैं थोड़ा समय के चलते बस अपनी बात करके जाना चाहता हूँ क्योंकि 2 बजे हम लोगों की मीटिंग है। तो मैं आप इस स्कूल को उद्घाटन के अवसर पर स्कूल से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनको बधाई देता हूँ, उनको शुभकामनाएँ देता हूँ कि आप गुजरातगंज में, जो आरा से बहुत दूर नहीं है लेकिन फिर भी स्थानीय बच्चों के और स्थानीय अभिभावकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यहाँ एक स्तरीय स्कूल शुरू किया आपने। और मैं भी इनसे वही बात कर रहा था तो इन्होंने कहा कि सर ये मैदान भी हम लोगों का है और कमरे हम लोग तेजी से बना रहे हैं, अभी 4, 8, 8वीं क्लास तक, 4वीं क्लास तक अभी शुरू करेंगे। तो मेरी शुभकामनाएं हैं, अच्छी शिक्षा दे बच्चों को, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे, और जो राष्ट्र की तरक्की और इलाके की तरक्की में ऐसे आगे जाते वो योगदान कर सकते। मैं फिर से एक बार सबको शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा इन्होंने बताया कि 10वीं क्लास तक ये स्कूल शुरू किया गया, मेरी यही शुभकामना है कि अगले 4-5 सालों में स्कूल 10वीं क्लास तक पहुंच जाए, क्योंकि हर साल एक सेक्शन ये बढ़ाएंगे तो 5-6 साल में पहुंच जाए और बड़ा कैंपस करके और ये आगे बढ़े, यही शुभकामनाएँ हैं मेरी। बहुत धन्यवाद। क्वालिटी एजुकेशन जो कि नई वी आर गोइंग टू मेक लीडर्स, मेनली हम लोग को जैसे कि बाकी विद्यालय में आजकल ABCD पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं है, लेकिन उसके लिए क्या है कि आजकल टेक्नो का मतलब है टेक्नोलॉजी, टेक्नो का मतलब है जैसे टेक्निकल यूज से बच्चों को पढ़ाया जाए। एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे कि रोबोटिक्स होगा यहाँ पे, जैसे कि स्मार्ट क्लासेस तो आजकल हर जगह एक बज़वर्ड बन गया है, लेकिन यहाँ पे क्या है विद द वीडियो
ऑडियो ऑडियो दोनों दोनों से उसको पढ़ाया जाए। जी 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 ग्रामीण प्रावेश देखिए बच्चे कहीं कहीं के भी सब एक ही जैसे होते हैं, बट यही है कि उनको अच्छे टीचिंग फैसिलिटी का है कि टीचर से भी अच्छा एक एनवायरमेंट उनको देना, ये हमारी सबसे प्राथमिक चीज है। मेरा नाम दीपक कुमार सिंह और मैं एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। 14 साल से मैं सॉफ्टवेयर में हूँ और यहाँ पे विद्यालय खोले हैं और नॉर्मली मेरी अपनी कंपनी बैंगलोर में हेल्थ केयर में है और एजुकेशन सेक्टर में हम लोग अफ्रीका में भी काम कर रहे हैं। बच्चों को हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे गाँव के बच्चे स्मार्ट बने, उनके लिए स्मार्ट किट्स की सारी व्यवस्था की गई है और सुदूर क्षेत्रों में सुदूर इलाके में इस तरह का विद्यालय खोलना बहुत ही जरूरी था। यहाँ के बच्चे शहर के बाहर नहीं जा पा रहे थे, उनको सारी वो मूलभूत सुविधाओं का इस विद्यालय के द्वारा सारी व्यवस्था की गई है। हम सभी से आग्रह करेंगे कि वो अपने बच्चों को इस बारे में जरूर करें क्योंकि विद्यालय से ही बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। हमारे यहाँ खेल म्यूजिक एजुकेशन सारा चीज कंप्यूटर हर चीज हमारे यहाँ उपलब्ध है। अभी तो इसमें गांव को देखते हुए 50% बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है, बाकी उसके बाद पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम रखा गया है कि पहले 50 बच्चों का फ्री में किया जाएगा, उसके बाद चार्ज लेकर चार्ज लेकर किया जाएगा।